जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। आज हजारीबाग के कुछ छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो योगा में चैंपियनशिप होता है उसमें जीत कर आई हैं। अब देखिए, क्रिकेट फुटबॉल के बाद हजारीबाग के लड़के लड़कियां योगा में भी टॉप कर रही हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा था टेक्वांडो में एक लड़की सिंगापुर शायद गई थी, कोरिया, साउथ कोरिया जाके जीत कर आई थी फर्स्ट गोल्ड मेडल। उसके बाद यहाँ की लड़के लड़कियां जो हैं योगा में रांची में जीत कर आए हैं। क्या नाम है आपका? शत्रुंजय कुमार। तो ये बताइए, योगा में क्या होता है कंपटीशन में? योगा में सर आसन होता है, आसन ही हम लोग को करना रहता है। तो ये कौन डिसाइड करता है कि बेस्ट आसन कौन कर रहा है? ये तो वहाँ जजेज रहते हैं, जो हम लोग योगा करते तो वहाँ जजेज रहते हैं, उन लोग डिसाइड करते हैं, मार्क देते हैं, उस हिसाब से वहाँ फिर उन लोग करते हैं। तो टोटल कितने लोग आए थे इस पार्टी? लगभग सर 500 लगभग आए हुए। 500? यस सर। 19 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे। उसमें आप फर्स्ट आ गए? नहीं, हमें थर्ड आया हूँ। थर्ड आए, अलग अलग ग्रुप का। हाँ ठीक है, आप बताइए आपके साथ कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे? वही 500। 500? यस सर। और आप उसमें जीत कर आ गए? जी सर। क्या बात है, कब बहुत बड़ा सोना का है आप देख सकते हैं। कप की जगह सोना मिलना चाहिए, लेकिन अब देखिए स्पोर्ट्समैन लोगों को कप की जगह सोना देना चाहिए ताकि और अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। और कुछ लड़कियां आप लोग भी गए थे? आप कैप्टन है लिखा हुआ अपने, अपने स्कूल के। अच्छा, स्कूल के कैप्टन है। कौन से स्कूल में? डीएवी पब्लिक स्कूल हजारीबाग। सही बात है, रोज होता है योगा वहाँ? यस सर, रोज सुबह प्रैक्टिस होती है। आप बताइए कि योगा में इंटरनेशनल लेवल तक भी जाते हैं लोग की? यही जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक जाते हैं, अब तो और भी जाने लगे हैं। ओलंपिक में भी ऐड हो गया है योगा, तो भी ऐड हो गया। हाँ। आप लोग कब जाएंगे? हम लोग भी जाएंगे, प्रैक्टिस जारी है, एक दिन ना एक दिन जरूर जाएंगे। जरूर जाएंगे। आप जब ओलंपिक में जाएंगे तो जरूर हम लोग बताइएगा। आइए मैडम से बात करते हैं, मेरे साथ रुचि कुजूर जी है, जो लड़कियों का स्पोर्ट्स को हजारीबाग में थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हैं। तो मैडम बताइए, आपका सहयोग क्या रहता है इन लोगों का? देखिए, हम लोग जहाँ तक हो सकता है हम लोग का सन पूरा कोऑपरेट करता है इन लोगों को, हमेशा हम लोग प्रैक्टिस के लिए पूछते रहते हैं कि आप लोगों का हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप योगा करती है कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं, हम नहीं करते, बहुत कम करते हैं, अगर बहुत कम, क्योंकि समय इस तरह तरीके से कि हम लोग सुबह से ही इतना व्यस्त रहते हैं कि मतलब उठो और इसीलिए तो योगा है व्यस्त रहने को, आपको स्ट्रेस मिटाने के लिए। हाँ हाँ, नहीं कुछ आप लोग करवाइएगा मैडम से, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, बच्चे हमारे अब योगा में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे पहले आप नहीं सुने होंगे कि योगा में कोई ऐसे, हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि योगा में प्राइस लेके आया है। बिल्कुल, हम लोग योगा के मतलब पीछे पढ़ के हम लोग आगे बच्चों को आगे किए हैं, कि हम लोग यहाँ से लोग नहीं जाते थे, देख रहे हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे ट्रेनर भी है। अच्छा। और हमारे एक प्रोफेसर भी है इस बीच में। कहाँ है प्रोफेसर साहब? किधर हैं आप? हैं योगा टीचर? अच्छा, योगा टीचर है विनोबा भावे विश्वविद्यालय में। अच्छा। और हम लोग अभी पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और तो आप लोगों ने कहाँ सीखा योगा? बाबा रामदेव से सीखा? हाँ, मैंने पतंजलि यूनिवर्सिटी हरिद्वार से 2 साल वहाँ पे ट्रेनिंग ली है। कब किया ये ट्रेनिंग? ये हम 10-12 में ही किए थे। 10-12 में? हाँ। आपने? सर, हम जैन विश्व भारती संस्थान लाडनू से, और जो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा स्वामी रामदेव से सीखे थे, और फिर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा गए थे दिल्ली। हाँ, वहाँ से पढ़ाई की, तो फिर हम लोग को विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जो है योगा डिपार्टमेंट में जो है उसको बढ़ाने का आगे काम मिला। तो हम लोग सफलतापूर्वक लगभग 200 विद्यार्थियों को जो है योग शिक्षक में जो है प्रशिक्षित तो कर चुके ये हैं। बताइए, योगा के आप प्रोफेसर हैं, तो वहाँ क्या थ्योरिटिकल पढ़ाई भी होता है, एग्जाम लिखने वाला, या सिर्फ प्रैक्टिकल होता है? थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। पहले में क्या पूछते हैं? मतलब थ्योरी में इसमें योग का बहुत सारी किताबें हैं। अच्छा। जो मुंगेर बिहार भारती जो है, हाँ। बिहार में, उसमें बहुत सारे योग की किताबें हैं, उसके अनुसार सारे वो बुक चलते हैं। तो इसमें जो डिग्री होता है वो किस तरह का होता है? इसमें यहाँ तो अभी विनोबा भावे विश्वविद्यालय में बीएससी एंड बीए योगा नहीं है, लेकिन बीए के बाद आप अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो डिप्लोमा का कर सकते हैं, और बाकी अदर यूनिवर्सिटी में जो है एमएससी इन योगा, एमए इन योगा, और फिर पीएचडी भी आप योग में कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 पक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला पक्ष होता है कि दार्शनिक पक्ष है, जैसे योग जो है एक दर्शन है, सर दर्शन में सांख्य न्याय मीमांसा वैशेषिक वेदांता, तो उसमें योग एक दर्शन है। सिक्स ऑर्थोडॉक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, योग इज ए सेंट्रल स्पिरिचुअलिटी फॉर एवरी पर्सन। दूसरा जो इसका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं तो उसका मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, हार्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। तो योग दर्शन है, विज्ञान है, और कला है, तीनों है। तो देखिए, बाबा रामदेव बहुत टीवी में आते हैं, अगर कोई अच्छा योग गुरु होगा तो हम लोग भी अपने चैनल में उनको योग करते हुए दिखाएंगे लाइव, कैसे होता है, कपालभाति क्या होता है, और बहुत सारे चीज़ हैं आसना। सबसे अच्छा आसन क्या होता है आप बताइए?
सभी आसन आसन होते हैं, शीर्षासन। शीर्षासन सर, नीचे पैर ऊपर जी, किंग ऑफ आसना उसको बोला जाता है। अच्छा, और ये जो विद्यार्थी आप लोग देख रहे हैं, अगर आप कवर करिएगा तो आप हजारीबाग के लोग देख करके उनको दंग रह जाएंगे। अच्छा, तो आप एक बार अपना कहाँ करते हैं ये लोग, कहाँ करते हैं आप? पार्क में या हमारा योग केंद्र है वहाँ पर भी आप आ सकते हैं। यूनिवर्सिटी में ही करते हैं हम लोग। ठीक है, तो योग केंद्र हम लोग जरूर आएंगे ये देखने के लिए कि जो योगा होता है वो कैसा होता है, यहाँ के लोग कैसे करते हैं। बाबा रामदेव तो बड़े बड़े चैनल में आते हैं, योगा योग दिखा के चले जाते हैं, यहाँ के लोग वंचित रह जाते हैं। तो हम लोग भी देखेंगे और जानेंगे। आप सेक्रेटरी हैं, तो आप बताइए आपका क्या परिचय है, कैसे आप योगा में आ गए? मैं रविंद्र कुमार, हजारीबाग योगा एसोसिएशन का महासचिव हूँ। और सबसे पहले मैं कपाल भाती, आपका तो पूरा टोन नजर आ रहा है। सबसे पहले मैं पतंजलि से जुड़ा था। अच्छा। और स्वामी रामदेव जी से ही मैंने ट्रेनिंग लिया। अच्छा। उसके बाद मैंने आयुष मंत्रालय से योगा वेलनेस सर्टिफिकेट लिया। अच्छा। और यूनिवर्सिटी से मैंने डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा इन योगा किया हूँ। अच्छा। और अभी आप ही सबको गाइड करते हैं यहाँ पे जी? संघ का संचालन हम करते हैं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत। अभी भी आप करते हैं योगा रोज? हाँ करते हैं, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा कम हो गया है, एज ज्यादा हो गया क्या? हाँ उम्र ज्यादा हो गया, लेकिन ज्यादा एज में ज्यादा कर, लेकिन अभी ज्यादा हम प्राणायाम करते हैं, आसन कम करते हैं, प्राणायाम ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, छूटा नहीं है, प्राणायाम ज्यादा करता है। तो अलग हर तरह का योगा है जो लोग कर सकते हैं, यंग है तो वो हर तरह का चीज करते हैं। और हम लोग भी कभी कभी सर नीचे रख के पैर ऊपर कर ही लेते हैं, हम लोग फुटबॉल में ऐसा करते थे, अब योगा में पता नहीं वो क्या होता है। तो देखिए आज हजारीबाग के कुछ लड़के लड़कियां हैं जिन्होंने योगा में रांची में फर्स्ट प्राइज भी जीत के आए हैं, थर्ड प्राइज भी जीत के आए हैं, कोई फिफ्थ पोजीशन भी आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योग का यहाँ पे पढ़ाई शुरू हो गया है और विनोबा भावे में इसकी ट्रेनिंग भी होती है और यहाँ के लोग अब योगा के प्रति बहुत जागरूक हो चुके हैं। उम्मीद है कि यहाँ के लोग ओलंपिक में जल्द ही जाएंगे, नेशनल के लिए भी सेलेक्ट हो चुके हैं। नेशनल खेल बहुत बहुत बड़ाई, मिठाई कहाँ मिठाई खिलाई है भाई, खिलाएंगे सर निकलने के बाद मिठाई और जीतने के बाद खिलाएगा। अच्छा, चलिए पेरेंट्स कहाँ है? पेरेंट्स को तो मिठाई कम से कम लेके आना, पेरेंट्स आप लोग तो कम से कम मिठाई लेके आना चाहिए। वो मेरी वाइफ है, आपकी वाइफ है, इनका भी चौथा, आप लोगों को तो लेके आना चाहिए मिठाई कम से कम। मिठाई क्या सर, पार्टी देंगे? पार्टी देंगे बिल्कुल, ओलंपिक जीत के आएंगे तब। 45 प्लस दोनों। अच्छा आप भी जीत के आए हैं क्या? देख लीजिए इतना एज में भी लोग इतना कंपटीशन कर रहे हैं। बोल रहे थे ना कि एज हो गया मेरा, सर बोल रहे हैं, सर को भी थोड़ा दीजिए आप। तो वही बोल रहे कि एज योग के लिए कोई एज नहीं होता, अब एकदम लास्ट एज तक भी आप कर सकते हैं और करना भी चाहिए। योग के बिना लाइफ है ही नहीं, बस मेरा ये मानना है। सबसे बड़ी बात यह है सर कि हम लोग का ये प्लेटफॉर्म जो मिला ये योगा संघ का, इसके लिए सर लोग सभी सर का और मैडम बहुत धन्यवाद कि हम लोग को नेशनल स्टेट लेवल पर खेलने का मौका मिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसके लिए हृदय से इन लोगों का शुक्रगुजार हैं हम लोग। कितने पानी बहुत तेज हो रहा है तो हम लोग ऐसा कोई आसन नहीं है जो हम पानी रोक सके, तो अभी हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। एक बार और आएंगे आप लोगों का लाइव योगा देखने के लिए, ठीक है, उसमें और ज्यादा बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फैज अनवर, जोहार हजारीबाग।